हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पाकशाला किचन। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड, अच्छे होंगे। तो आज हम काबली चना के छोले बनाएंगे। तो इसे हम रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिए थे। तीन चार घंटे में आराम से ये फूल जाता है। ये हम चना को अच्छे तरीके से फुला लिए हैं, तो अब हम इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम थोड़ा सा मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला के लिए हम एक जार लिए हैं, दो बारीक कटा हुआ यहाँ पर हम प्याज लेंगे। प्याज को इस जार में डाल देंगे, फिर एक टुकड़ा अदरक का हम इसमें डाल देंगे और 8 से 10 कलियां लहसुन का इसमें हम डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च हम लेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर हम जीरा लेंगे और इस सब का अच्छे तरीके से हमें पेस्ट बनाना है। तो ये देखिए, हमारा ये मसाला का पेस्ट तैयार है और हमें इसी तरीके का पेस्ट चाहिए। एक कुकर लिए, कुकर में 2 बड़े चम्मच से हमें सरसों तेल ऐड करना है। सरसों तेल थोड़ा सा पक जाएगा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तब इसमें 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और इसके बाद हम बारीक कटा हुआ 5 से 6 प्याज लिए, जिसको बारीक काट लिए इसमें डाल देंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल देंगे और नमक के साथ हम फिर 1 मिनट प्याज को भूनेंगे। तो 1 मिनट हो गया है, तो फिर इसमें हम 2 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर भी इसके साथ हम बस 1 से 2 मिनट तक भूनना है, फिर हम मसाला जो पीस कर तैयार किए थे इसको इसमें डाल देंगे। अब हमारा टमाटर, प्याज, मसाला सब एक साथ हमें अच्छे तरीके से इसमें भुना जाएगा। तो ये मसाला को हम भूनते जा रहे हैं, मसाला को 2 मिनट तक भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है और लगातार हम चलाते हुए इसको हम भूनते जाएंगे। फिर 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने से छोला का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। फिर हम छोला इसमें डाल देंगे और छोला डालकर 2 मिनट तक इसे भून लेना है। 2 मिनट हो जाएगा, तो ये देखिए अच्छे तरीके से भुना चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए कितना देखने से अच्छा लग रहा है। तो मैं एक मग्गा में पानी यहाँ पर डाल दी हूँ, आप अपने अनुसार पानी डालिएगा। तो मैं थोड़ा सा गाढ़ा बनाती हूँ। तो ये हमें 2 सीटी लगने के बाद हमारा छोला तैयार हो जाएगा। तो छोला देखिए हमारा तैयार हो चुका है, कितना कलर आया है छोले में। छोला का कलर देख कर कितना अच्छा लग रहा है। और ये मैं दिखाती हूँ कि मेरा छोला अच्छे तरीके से पक चुका है। ये छोला हमारा दबाने से एकदम अच्छे तरीके से पका हुआ है। तो हम छोला को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये हम बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, फिर थोड़ी हरी मिर्च डाल देंगे इसके ऊपर, इससे और ये सुंदर लगेगा। ये हमारा छोला रेडी हो चुका है। तो आप हमारी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।